तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज महेश, द मुस्टाश टैटूज ओनर। एंड देन आज हम आज का जो एपिसोड है उस एपिसोड में हम ग्रे वॉश के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू मेक अ प्रॉपर ग्रे वॉश, क्योंकि जो बिगिनर आर्टिस्ट है, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उन लोगों को कभी कभी ग्रे वॉश के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। हम हमेशा रेडीमेड ग्रे वॉश यूज़ करते हैं, कोई कोई तो ग्रे वॉश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता। तो उन लोगों के लिए आज हम बेसिक एज अ बेसिक टू ग्रे वॉश कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप कितने टोन्स होते हैं ग्रे वॉश में, सो लाइट मिडल डार्क, तो लाइट मिडल डार्क में भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। सो आज हम वही क्लियर करेंगे। देन आज हम ग्रे वॉश को टू पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, आई गेस पार्ट रखेंगे तो बेटर है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है, जो रेगुलर हम ग्रे वॉश यूज करते हैं, जो बटरफ्लाइज होता है, देन एंजल होता है, ट्राइबल शेडिंग्स होते हैं, राइट, 3D टैटूज, बेसिक 3D टैटूज होते हैं, नेम टैटू में हम शेडिंग वगैरह करते रहते हैं, तो उस टैटू के लिए हम थ्री टोन में ज्यादा, मिनिमम थ्री टोन में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि लाइट मिडल डार्क आज यही टोन में काम करते रहते हैं, राइट। तो वो वाला एक फर्स्ट पार्ट होगा। एंड सेकंड पार्ट पोर्ट्रेट में ग्रे वॉश कितने होते हैं, एंड देन कितने टोन्स बनाने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 8 टोन्स होते हैं ग्रे वॉश में एज अ पोर्ट्रेट के लिए। स्पेसिफिक पोर्ट्रेट हर फीचर्स के लिए एक टोन बनाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल हेयर के लिए सबसे डार्क सेशन, एंड देन स्किन के लिए सबसे लो सेशन, द लो सेशन मीन्स द लाइट सेशन, मिडल सेशन के लिए एज अ मिडल जो टोन्स होते हैं, मिडल टोन इज एग्जाम्पल शेडो लाइट या शेडो लाइट, तो उसके लिए एक अलग टोन होता है, तो पूरा मिडल टोन होते हैं। सो 2 to 4, 4 to 6 एज इज अ मिड एंड लाइट टोन्स, एंड देन 6 to 8, एंड देन लास्ट प्योर ब्लैक इज अ डार्क टोन। सो डार्क टोन ये सारे डिवाइड किए एज अ पोर्ट्रेट के लिए। सो गाइज आज यही समझाऊंगा कि कैसा कैसे ग्रे वॉश बनाते हैं, एंड कैसे पोर्ट्रेट के लिए स्टेप बाय स्टेप टोन्स कैसे रेडी करते हैं, बस दैट्स इट। सो फर्स्ट ग्लव्स पहनना है हमें, उसके बाद सेटअप क्लीन करना है, जहाँ का जो स्टेशन है हमारा, जहाँ पे हम रेगुलर वर्क करते हैं, वो क्लीन करने एज अ प्रॉपर हाइजीन। देन सो डेंटल क्लीनर पेपर, उसको प्रॉपर मास्किंग करो, जो हिले ना, सो प्रॉपर टाइट। फर्स्ट यूज करते हैं, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है रेगुलर ग्रे वॉश, राइट, तो ये इनकप्स हैं। तो हम जो रेगुलर ग्रे वॉश यूज करते हैं वो तीन टोन में डिवाइड करते हैं, जो बटरफ्लाई, नेम, टैटू या स्मॉल टैटूज वगैरह होते हैं। ये हम बाद में यूज करेंगे इसके बारे में। एंड देन फिलहाल एक कोने में एंडी निकाल दो, देन प्रॉपर, थोड़ा ज़्यादा लगाना क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम टिकाना होता है, मोस्टली 3-4 hours तो होते ही है छोटे टैटू को, या 2 hours या मिनिमम 1 hour, राइट, थोड़ा सा अच्छे से टाइट। इसके बाद इंक्स, ग्रे वॉश के लिए मोस्टली या डायनामिक जो के, ग्रे काबू की जो के, जूपर ब्लैक की जो के, मैं तो रेगुलर डायनामिक यूज करता हूँ, क्योंकि डायनामिक मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली इंटा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डार्क स्किन होती है, ब्राउन स्किन होती है, लाइट स्किन होती है, बहुत सारे वराइटीज़ वाली स्किन होती है, तो मोस्टली ये इज़ गुड, ये अच्छा है, मैं ये भी यूज़ करता हूँ। देन काबू की मैं मोस्टली पोर्ट्रेट के लिए यूज़ करता हूँ, एंड देन आउटलाइन होता है, आउटलाइन में मोस्टली आउटलाइन, इसमें ग्रे वॉश भी बहुत सारे आते हैं, डायनामिक के भी ग्रे वॉश आ चुके हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें कैसा स्पेसिफिक 4 टोन्स होते हैं, 4 बॉटल्स होते हैं, बट हमें जो चाहिए कलर्स वो कभी कभी मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा डार्क से थोड़ा लाइट चाहिए रहता है, कभी लाइट से थोड़ा सा और लाइट चाहिए रहता है, तो जो रेडीमेड है हमें वही यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इससे बेटर है कि आप अपना खुद का ग्रे वॉश यूज़ करो, खुद का सेट बनाओ, अच्छी सी पैलेट बनाओ, ये पूरा पता है, ये पूरी पैलेट होती है हमारी, हम पैलेट को अच्छे से स्टडी करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे।
सो बेटर है कि आप थोड़ा अपनी पैलेट को थोड़ा सा स्टडी करो कि मुझे मेरी पैलेट कैसी चाहिए. सो बेटर और कुछ नहीं. देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर वे वॉश जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं. तो प्रॉपर शेक करो अच्छे से कलर. सो फर्स्ट टोन में आएगा टू ड्रॉप्स. एंड देन सेकंड कप्स में आएगा दो तीन चार ड्रॉप्स. एंड देन थर्ड वाला जो आएगा उसमें होगा एक दो तीन चार पाँच छः. यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है दो से, तो टू फोर एंड देन सिक्स. सो टू फोर सिक्स है. इसमें हम नॉर्मली रेगुलर जो वाटर होता है, जो घर का वाटर होता है, वो यूज़ मत करो. उससे बेटर है कि आप प्यूरीफायर वाटर यूज करो. देन उसके बाद दूसरा एक वाटर आता है, उसका नाम होता है लिस्टरीन वाटर. सो लिस्टरीन वाटर यूज कर सकते हो. लिस्टरीन वाटर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, कोई सप्लायर के शॉप में मिल जाता है. तो बेटर है कि आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से बाय करो. ये छोटे छोटे पाउच आते हैं, मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता हूँ. मेरे लिए वाटर अच्छा है. तो या बिस्लरी बॉटल्स होती है, आप बिस्लरी बॉटल ले लो कोई, तो वो भी यूज़ कर सकते हो. तो वो भी बेटर पड़ता है यूज़ करने के लिए. तो मेरे पास तो लिस्टरीन वाटर है. सो मैं एक हमेशा इसमें रखता हूँ लिस्टरीन वाटर. ये थोड़ा सा प्यूरीफायर होता है और अच्छा होता है. इसको हमेशा रैप करना होता है. तो फिलहाल मैंने टैटू नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये क्लीन है प्रॉपर. ना ही मैं टैटू कर रहा हूँ, ना ही मेरा हाथ ख़राब है. सो बेटर है इसको पूरा भर दो. थोड़ा सा फोर्स वाला रहेगा तो बेटर रहता है पानी, क्योंकि आपको अच्छे से मर्ज होता है. तो टूथपिक ले लो और अच्छे से मर्ज करो उसको. तो तीन टोन के हिसाब से हम जब काम करेंगे, तो यहाँ पे जो पहला टोन से वो हमेशा लाइट होता है, और देन दूसरा टोन है वो हमेशा उससे थोड़ा डार्क होता है. डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो आप देख सकते हो, आई गेस बेटर है कि आपको स्टडी मिल जाए. सो इज़ ए प्योर ब्लैक. सो इज़ ए प्योर ब्लैक. देन थोड़ा सा हल्का सा लाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो. देन यहाँ पे सबसे लाइट है. तो बहुत फ़र्क पड़ता है इससे. सो आप प्रॉपर इसको घुमाओगे. सो ये रेगुलर हम करते हैं. देन ओके, देन सेकंड पार्ट हमारा ग्रे वॉश है एज अ पोर्ट्रेट के लिए. सो स्पेशली पोर्ट्रेट के लिए जो सेट होता है हम उसके लिए बनाएंगे. देन द पोर्ट्रेट के लिए जो ग्रे वॉश होता है हमेशा 8 कप्स होते हैं. आई गेस मोटली बेसिकली 8 कप्स रहने चाहिए. सो 2 कप्स, देन 3, 4 एंड देन 5. जो 6 है वो हमेशा पीछे लगाओ. देन 7, ये हो गया 5, 6, 7 एंड देन 8. सो मैंने ये 3 जानबूझ के पीछे लगाया, क्योंकि इसका रीज़न ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है, मैं बताऊँगा. ये 2 कप जो है वो
वो वाइट के लिए स्पेशली होता है एंड देन डार्क एज अ प्योर डार्क होता है यहाँ पे हम यूज करेंगे. सो प्योर डार्क एंड देन सो वाइट कप. सो इसमें थोड़ा सा हल्का सा वाटर रहेगा एंड देन हल्का सा इसे प्योर वाइट रहेगा. तो यही होगा क्योंकि ये शेडिंग के लिए होता है वाइट एंड देन ये हाईलाइट के लिए होता है. तो लॉन्ग टाइम हम यूज़ करेंगे ये कप्स तो इसके लिए वैसलिन भी जो नीचे वाला जो एंड ही है वो हमेशा ज़्यादा लगाना क्योंकि जब हम इंक या मशीन हम लोड करते हैं इसको कलर्स लेते तो ये पूरा ऊपर आता है. उससे बेटर है कि आप उसको अच्छे से स्टडी करो अच्छे से स्टिक करो प्रॉपर. डन. ग्रे वॉश के बहुत सॉरी पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स होते हैं तो स्टार्ट करना होता है हमेशा वन ड्रॉप से टू ड्रॉप्स थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. सो एट ड्रॉप इसमें है एंड देन प्योर ब्लैक. सो फिलहाल हमें जितना चाहिए उतना ले लो क्योंकि वेस्ट ना करें क्योंकि ब्लैक हमेशा आईज आईबॉल जो होता है वहाँ पे यूज होता है बियर्ड होता है बियर्ड पे यूज होता है देन डार्क टोन्स होते हैं शेड से आउटलाइन बोल्ड होती है उस टाइम पे यूज़ होता है. देन हेयर्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है. उसके बाद पूरा वाटर पूरा लिस्ट्रीन वाटर से भर दो क्योंकि जब लिस्ट्रीन वाटर से आप भरोगे सो बेटर रहेगा. थोड़ा सा फोर्सफुली चाहिए पानी क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मली पानी डालोगे और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का पानी क्योंकि ये खाली है फिलहाल और इसमें हम वाइट डालेंगे. मोस्टली लोग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एक्स फोर एक्स फाइव ऐसे रखते हैं. सो हम हमेशा हैशटैग रखते हैं इज बेटर हैशटैग वन टू हैशटैग थ्री एंड देन हैशटैग फोर एंड देन हैशटैग फाइव राइट. देन यहाँ पे होगा फ्यूअर हैशटैग्स जो प्योर ब्लैक. सो प्योर ब्लैक के लिए आप ट्रिपल ब्लैक रखो योर विश हैशटैग ट्रिपल है ट्रिपल हैशटैग. सो प्योर ब्लैक एंड देन वन टू फोर एंड देन सिक्स एंड देन एट. जो वन वाला पार्ट है मोस्टली जो वन से लेके थ्री तक वन से लेके थ्री तक हम रेगुलर लाइट वाला काम करते हैं लाइट एंड मिडल वाला काम करते हैं तो मोस्टली ये ज़्यादा यूज होता है. एंड देन जो डार्क मिडल जैसे मिडल डार्क एंड देन डार्क सो मिडल लाइट एंड देन मिडल लाइट एंड मिडल डार्क ये हमेशा हम शेड लाइट में काम करते हैं. शैडो लाइट्स होते हैं शेड लाइट्स होते हैं हेयर्स वाला काम होता है राइट लिप्स के अपर वाला जो शैडो लाइट्स होती है ये तो बहुत सारे शैडो लाइट्स में काम होता है यहाँ पे तो ये ज़्यादा यूज होता है ऐसे बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है मोस्टली एंड देन हेयर्स मुस्टाच बियर्ड यहाँ के लिए यूज़ होता है. ये हमेशा फेयर स्किन के लिए यूज़ होता है जैसे एग्जाम्पल जहाँ पे चीन है हमारा जहाँ पे रेफरेंस लाइट होगा वहाँ के लिए यूज़ होता है. सो ये पूरा लाइट पार्ट है एंड ये पूरा डार्क पार्ट है ये प्योर ब्लैक है. ये जो वाला पीछे वाला जो क्लब कप है वो प्योर ब्लैक है और यहाँ पे हम वाइट ले रहे हैं तो वाइट भी मैं आपको स्टडी करके बताता हूँ. सो प्योर वाइट एंड देन
ये थोड़ा सा हल्का सा शेडेड लाइट, क्योंकि हमने जो ग्रे वॉश बना रहे हैं तो यहाँ पे ये हमेशा जब हाईलाइट स्ट्रांग देते हैं तो हाईलाइट स्ट्रांग के बाजू में हमें एक सॉफ्टली टोन आता है वाइट का, वो स्प्रे जैसे सनलाइट कैसी होती है पूरा स्प्रेड होता है लाइट, तो वैसे ही हमें हमेशा जब हाईलाइट्स होती है तो कहाँ का कट लाइट्स होती है, बहुत ज़्यादा शार्प लाइट्स होती है, स्ट्रांग लाइट्स होती है, कहाँ का एकदम सॉफ्ट लाइट होती है, तो सॉफ्ट लाइट के लिए हमेशा यूज़ करना होता है। मोस्टली इंडियन आर्टिस्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हम प्योर ब्लैक या प्योर वाइट ही यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। हमेशा सॉफ्ट लाइट के लिए वाइट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। सॉफ्ट लाइट जैसे रिफ्लेक्शन होता है आई बॉल का, जो स्ट्रांग लाइट होता है आई बॉल का अंदर का जो ब्लैक पार्ट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्बल वाला फील आता है, तो वहाँ पे हम वाइट स्ट्रांग यूज़ कर सकते हैं, पर जो वाइट पार्ट होता है जो आई बॉल का, तो वहाँ पे हम सॉफ्ट लाइट यूज़ कर सकते हैं, राइट। चीन के लिए, फोरहेड के लिए ये यूज़ होता है, एंड देन यहाँ पे हेयर्स, नोज, जो स्ट्रांग लाइट्स होती है, लिप्स में स्ट्रांग लाइट्स होती है, आइज में स्ट्रांग लाइट्स होती है, तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, राइट। ये तीन टोन्स मैंने आपको बताया कि ये पूरे स्किन के लिए यूज़ होता है ये तीन टोन, और ये डार्क टोन्स हैं वो हमेशा हम डार्क पार्ट जैसे हेयर्स होता है, बियर्ड होती है, राइट, मुश्ताश होती है, किसी की वाइट मुश्ताश है तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी की ब्लैक मुश्ताश है, शेडो लाइट स्ट्रांग है, डार्क स्किन है ज़्यादा, तो ये यूज़ होता है लाइट स्किन के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम होता है, डिटेल्स वगैरह इसमें अच्छे से आएगा, लाइट पार्ट में डिटेल्स जितना स्किन लाइट होगी तो ये अच्छा है, क्योंकि अच्छे से ग्रे वॉश प्रॉपर पकड़ लेगा, बट डार्क स्किन है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डायरेक्ट हम 5 तक आएंगे, तो #2 से लेके #5 तक आपको ग्रे वॉश बनाना है डार्क स्किन के लिए। लाइट स्किन के लिए #1 से लेके आपको #5 तक बनाना है, राइट। सो आपको हमेशा याद रखना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ग्रे वॉश एकदम सिंप्लीफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं। ये मेरी पैलेट है, इसमें मैं हमेशा 1 ड्रॉप यूज़ करता हूँ, इसमें 2 ड्रॉप्स यूज़ करता हूँ, इसमें 4 ड्रॉप्स यूज़ करता हूँ, देन 6 ड्रॉप्स, देन 8 ड्रॉप्स, ये डिवाइड किए 2 से, 2-2 बढ़ाया सिर्फ। सो गाइस, मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको ग्रे वॉश के बारे में पता चला कि लाइट मीडियम डार्क क्या होते हैं, एंड रेगुलर ग्रे वॉश क्या होते हैं, एंड पोर्ट्रेट के ग्रे वॉश क्या होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, क्योंकि आपको इसके बारे में सब कुछ पता ही चला है, ग्रे वॉश के बारे में कि ग्रे वॉश कैसे बनाते हैं। सो बेटर है कि आप इसको अच्छे से स्टडी करो, एंड देन उसके बाद आप अपना ग्रे वॉश बनाओ, अपनी पैलेट बनाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेम कॉपी करो, पर अपने खुद के ग्रे वॉश अच्छे से बनाओ, हैंडमेड जो बोलते हैं ग्रे वॉश। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड देन उसके बाद जो घंटी है वो दबाना है, घंटी है जो बजाना है, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आएगी आपके मोबाइल पे और आपके पीसी पे। सो गाइस प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हो, एंड देन उसके बाद जितना आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, जितने भी टैटू इंडस्ट्री के जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे आज इंडिया में, तो वहाँ तक शेयर करो, क्योंकि आपके जितने बिगिनर आर्टिस्ट है, जो आपके इतने ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, जो आपके दोस्त हैं, उन तक वो वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपने तो सीख लिया है पर उनको भी सीखना चाहिए, राइट। वहां पे जाओ, कोई बात मत करो, कोई भी एक वर्ड नहीं बोलना, ओके। देन सेकंड पार्ट जरूर देगा लॉक, कैसे 2 मिनट बोलते हो, 2 मिनट मजाक कर रहे हो यार।